मैं जैसा कि आपने बताया कि आपने ये डिजिटल चैनल स्टार्ट किया हुआ है नियो बिहार, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट शुड ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल और किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वेब का जो स्पेस है ना, जो वेब स्पेस है, वहाँ पे यूजुअल टीवी कंटेंट नहीं चलता है। अगर आप अमेरिकन टीवी का सीरीज देखें और अब नेटफ्लिक्स देखें तो काफ़ी अंतर है दोनों के स्टोरी टेलिंग में, ट्रीटमेंट में, ड्यूरेशंस में, कैरेक्टराइजेशन में, सेटअप में, उनके विजुअल ट्रीटमेंट में आप नहीं कर सकते हैं उस चीज़, क्योंकि क्या हो गया कि एक तो ऑडियंस बहुत बेचैन है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। Exactly. मैंने देखा है कि मेरे वीडियो में जिन लोगों ने पैसा दिया, क्योंकि मेरे पास पूरा स्टैटिस्टिक्स आता है, 30 मिनट की फिल्म है क्रेडिट रोलिंग को लेकर, तो 30 मिनट की फिल्म कई बार मैंने देखा है लोगों ने 10 मिनट और 15 मिनट में भी कहीं कहीं पे छोड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा 15 मिनट देखा, 15 मिनट बाद में देखा। तो हुआ क्या है कि और सारी फिल्मों के साथ, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म देख रहा, तो होता क्या है ना कि बेचैनी बहुत है ऑडियंस, अब आपको उसको होल्ड करना है। तो वेब के तो जॉनर्स होंगे ना, वो भी अलग होंगे। आप यूजुअल सास बहू का सीरियल वेब पे नहीं डाल सकते। Exactly. आपको आप अगर आप नेटफ्लिक्स देखें तो नेटफ्लिक्स के अंदर जैसे कुछ जो सीरीज हैं, जैसे माय वर्स्ट फियर हो या ओए हो या स्ट्रेंजर थिंग्स हो या द रिटर्न हो, मैंने नेटफ्लिक्स पे शायद ही कुछ बचा हुआ है जो नहीं देखा है। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारा एक अलग जॉनर पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, क्या पकड़ सकता है ऑडियंस को। अभी तक मैंने सिंपल रोमांटिक स्टोरीज या फैमिली ड्रामा वाले सीरीज नहीं देखे, कम है या है शायद नहीं होंगे। तो मेरा भी यही है कि किस तरह का कंटेंट मुझे लाना। जैसे सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट इज अ थ्रिलर, यू हैव सीन सस्पेक्ट, सस्पेक्ट इज अ थ्रिलर, आपको कभी भी 30 मिनट में एक बार भी नहीं लगेगा कि यार क्या हो रहा है। Exactly. आप उठ नहीं सकते, आपकी आंखें गड़ी रहनी चाहिए। तो बनाते समय, लिखते समय मेरा भी ध्यान ये रहता है कि एकदम आंखें गड़ा के रखना है, ऑडियंस को हिलने नहीं देना है। मेरा जो नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म में जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, वो है पटना 13। पटना 13 इज अ हॉरर शॉर्ट फिल्म। ओके। हाँ, जो कि आधे घंटे की होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। और तो इस तरह के जॉनर्स हम लोग लेंगे जिसको पटना में शूट करना। पटना 13 वो इलाका है जहाँ मैं बड़ा हुआ, पटना 13, पाटलिपुत्र कॉलोनी है वो सर। तो वहाँ पे मैंने हॉरर सेट किया है। तो इस तरह का ही जॉनर वेब पे चलेगा। और मैं जो टारगेट कर रहा हूँ ऑडियंस को, वो मोस्टली मिडिल क्लास और सभी को टारगेट कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन मेरा मेन टारगेट जो है वो मिडिल क्लास है, जो अर्बन पॉकेट्स में है। क्योंकि मैं सिर्फ फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर भाषा में फिल्म बना रहा हूँ, उस भाषा में फिल्म बना रहा हूँ जिस भाषा में कुछ भी काम हुआ नहीं है, सिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ है। कहने को तो भोजपुरी में फिल्में बनती हैं और बहुत बनती हैं, लेकिन वो सिनेमा नहीं, मैं उसको मानता भी नहीं, वो किसी तरह का सिनेमा, वो एक कुछ बनाने वाले हैं जो कुछ लोगों को टारगेट करते हैं। तो देखने वाले ऑडियंस नहीं, देखने वाले विक्टिम्स हैं। पढ़ा लिखा वर्ग पूरा कट गया। आप जौनपुर के हैं, जौनपुर में ही आपकी का फैमिली भोजपुरी नहीं देखेगा, भोजपुरी बोलेगा घर में लेकिन देखेगा नहीं जाके। लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में नहीं है, मेरी बिल्डिंग में जो मराठी है वो जाके देखेंगे मराठी फिल्में, चाहे जो भी अच्छी फिल्में लगी हों, चाहे सैराट लगी थी, सैराट तो सबने देखी है, उसके अलावा भी अगर नटरंग लगी हो, गबरी चपाउस तो पुरानी फिल्म है, जैसे अभी एक कट्यार कल जा खुशली आया, डबल सील जैसी फिल्म, क्योंकि मैं खुद बहुत मराठी फिल्में देखता हूँ। मेरा मेरे ऊपर मेजर इन्फ्लुएंस मराठी सिनेमा का इसलिए भी है क्योंकि मैं पुणे में पढ़ा हूँ, और मराठियों का जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप है, जो संवेदनशीलता अपनी भाषा को लेके जो एक अधिकार से करते हैं काम और जिम्मेदारी के साथ, वो सीखने वाली चीज़ है। तो मेरे वेब चैनल पे इस तरह का जॉनर और इस तरह की ऑडियंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और लोग आ रहे हैं। मैंने पिछले एक महीने में 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हैं, विच इज़ अ बिग नंबर ऑब्वियसली। 1000 सब्सक्राइबर पेड करके भी लोग देख रहे हैं, पे करके देख रहे हैं इसलिए भी क्योंकि मैथिली भोजपुरी में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है रीसेंट टाइम्स में, कुछ ऐसा है नहीं।
कुछ लड़के हैं जिन्होंने कोशिश की है, जो बना रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो. जैसे मेरा असिस्टेंट था मित, तो उसने एक ललका गुलाब शॉर्ट फिल्म बनाई, लेकिन वो पेड में नहीं है. और भी लोग हैं, विकास झा एक लड़का है, बहुत अच्छा मैथिली कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी अच्छा बनता है. तो कई सारे ऐसे लोग हैं. गुंजा बनाई थी मृणाल, एक लड़के ने, उसको नेशनल अवार्ड में अप्रिसिएशन मिला था, मेंशन जो अवार्ड जिसको कहते हैं वो था. और भी एक लड़का है कुमार सौरभ, उसने मगही में फिल्म बनाई थी. तो इस तरह से बहुत ही कम लोग हैं जो कुछ 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 कर काम कर, लेकिन सबको एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि स्कैटर्ड होकर करेंगे तो वो हो गए. तो मेरा प्लान ये है कि 10 years डाउन द लाइन न्यू बिहार बिकम द नेटफ्लिक्स ऑफ भोजपुरी मैथिली. मतलब विजन ये है. अब लेट्स सी, कोशिश तो उसी की है कितना सफल होता है. Now let's talk about something personal to, in your life, sir. आपने कब decide किया कि मुझे बस फिल्में ही बनानी है और मैं life में कुछ नहीं करने वाला? मैं पुणे यूनिवर्सिटी में जब था, तो पुणे यूनिवर्सिटी में 2 साल का मास्टर्स होता है. तो फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन पढ़ना है, सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन है. और सेकेंड ईयर में होता है या तो मीडिया रिसर्च था या फिल्म प्रोडक्शन था, वीडियो प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन. तो मैं था मीडिया रिसर्च वाला स्टूडेंट. मेरे अगर कोई दोस्त जानते होंगे यूनिवर्सिटी वाले, वो जानते हैं कि मैं एकदम वैसा, मेरे जो प्रोफेसर थे मीडिया वाले, प्रोफेसर ढोले, वो जानते थे कि हाँ ये जब स्टूडेंट जो है मेरा सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट है. तो मैंने इंटर्नशिप किया मीडिया प्लानिंग में प्रॉपर, एकदम कॉर्पोरेट वाले टाइप के ऑफिस में. तो मुझे फर्स्ट इंटर्नशिप 2 महीने का किया, बहुत ही बड़ी कंपनी है वर्ली में. सेकेंड इंटर्नशिप भी 2 महीने का था. तो 2 महीने में, 1 महीने करने के बाद एक दिन मैं बैठा था ऑफिस, मुझे लगा कि यार ये रोज ऐसे ही आना पड़ेगा क्या, कंप्यूटर के सामने ये एक्सेल शीट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हालांकि मैं मैथ्स वैथ्स मेरा अच्छा था, तो मुझे लगा कि यार ये तो बेकार काम है, जिंदगी इसी में निकल जाए. फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट देते थे, बोलते देखो ये आटा है, तो ये आटा जो है आपको एक सर्टेन लोगों को बेचना है, तो उनका SEC होता है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, A+, AB+, B, ये वो, किसी दिन टूथपेस्ट आ जाएगा. फिर बोलते जाओ टॉयज बनाती है कंपनी, उनका ऑफिस है, वहाँ चले जाओ, देखो क्या खिलौने हैं. यार ये तो मतलब ये जो है ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं. और ऊपर से वो टाइट, वैसे फॉर्मल कपड़ा वाला आदमी था नहीं मैं. तो बेसिकली मुझे फॉर्मल पहनना नहीं था जल्दी, और ये एक मेजर कारण था कि मैंने वो छोड़ा. और पकड़ा सिनेमा को मैंने पकड़ा ही नहीं कभी, सिनेमा ने मुझे पकड़ा. जैसे होता क्या है ना कि आर्ट को आप चूज नहीं कर सकते, आर्ट विल चूज यू. तो जैसे ही आप किसी भी चीज के आर्ट में घुसते हैं ना, वो एक हायर लेवल पैशन का ही होता है. आप MBA करके भी कोई मैनेजर नहीं बन जाएंगे, आप UPSC निकाल के कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाएंगे. वो पैशन है, वो आर्ट आना चाहिए. हर चीज में आर्ट है, ऊपर से ऊपर कोई भी है. आप सिर्फ होटल मैनेजमेंट कर गए तो आप बावर्ची नहीं बन जाएंगे. तो वो आर्ट है, और वो आर्ट कम्स एंड यू कैन नॉट चूज आर्ट, आर्ट विल चूज यू इफ इट इज देयर इन यू. तो 2003 में मैं था यूनिवर्सिटी में, और 2003 में यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था यहाँ पे महाराष्ट्र में, जहाँ पे बिहारी और UP स्टूडेंट्स को बड़ा मारा पीटा गया. तो बीइंग अ बिहारी बॉर्न इन UP, तो दोनों जगह का लोड मेरे ऊपर बहुत रहता, मैं बिहारी भी हूँ भैया भी. तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मतलब बहुत मैं हिल गया, बहुत सेंसिटिव हो गया था इस चीज़ को लेके, डिस्टर्ब रहने लगा था. और इस तरह की बातें सुनता रहा. दिल्ली में मैं रहा हूँ, तो दिल्ली में तो बिहारी शब्द गाली ही है. तो वहाँ से निकला था, मैं सोचा चलो पुणे में थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा बायस मैंने देखा और झेला भी. तो मैंने अपने दोस्तों को बोला जो वीडियो प्रोडक्शन लेने वाले थे सेकेंड ईयर में, तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे पास एक कहानी है, एक लड़का आता है बिहार से, और उसको ना वो ऐसे ऐसे करता है, और उसको एक मराठी लड़का मिलता है, वो मदद करता है. तो मेरे फिर जो दोस्त थे बोले यार तू तो वीडियो मीडिया रिसर्च ले रहा है, और हमें बोल रहा है कि फिल्म बना मेरी कहानी पे. बोले बना दे बना, सबको बोला, बोला कि मैं, सबने बोला कि नहीं यार, तो हम लोग की अपनी अपनी कहानी है. तो वो जो मीडिया प्लानिंग का मैं इंटर्नशिप कर रहा था, 1 महीने बाद मुझे ऐसा दिमाग में आया कि यार वो कहानी का क्या होगा. और फिर मैंने अपने एक दो दोस्त मेरे उस वक्त जो थे यूनिवर्सिटी वाले, देव प्रसाद भौमिक मेरा एक दोस्त है, देवू, अभी वो पीटर जैक्सन के लिए काम करता है न्यूजीलैंड में, वो बेटा स्टूडियो में. और एक और मेरा दोस्त था द्वित. तो मैंने लोग बोला यार एक बात करनी है,
मिलो शाम में, तो उन लोग को पता नहीं ये हो गया था कि मैं शायद अब जाके वीडियो प्रोडक्शन लूंगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ये मत बोलना कि तुमको फिल्म प्रोडक्शन लेना, वीडियो प्रोडक्शन लेना। मैंने कहा हाँ यार ये काम बहुत गड़बड़ है, मीडिया प्लानिंग व्लानिंग नहीं होने वाला। उसके बाद वहाँ से जो मैं घुसा, तो मैंने पहली फिल्म बनाई था आउटसाइड, बिहारी लड़का आता उसको एक मराठी लड़का मदद करता है रेलवे एग्जाम में, मराठी भी रेलवे वाला ही कैंडिडेट है और बिहारी भी रेलवे वाला कैंडिडेट है, और दोनों के बीच में एक बहुत ही सोशियो पॉलिटिकल डायलॉग्स होते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बहुत सराही गई थी वो फिल्म, मेरे जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर समन नखा थे उन्होंने बहुत पसंद किया। फिर मेरी सेकेंड फिल्म जो थी वो इंग्लिश में एक शॉर्ट फिल्म थी मीरा। तो इस तरह से यहाँ से मैं घुसा, उसके बाद कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि चलो देखते हैं करके, अगर चला तो चला नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ड्रिवन आदमी हूँ। मैं जो चीज़ करता हूँ और जो चीज़ मैंने आज तक सोचा है मैंने सब किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने सोचा है करना और मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ उसमें इतना ज़्यादा लग जाता हूँ कि वो चीज़ होती ही है। मैंने सोचा था मैं देश का भोजपुरी बनाऊंगा, सबने बोला अरे भोजपुरी क्या होती है, मैंने वो बना दी। उसके बाद म्यूजिक वीडियोस भी बना दिए, म्यूजिक वीडियोस बनाए, देसवा का हिंदी रिलीज हुआ था, विच डिड अ डिसेंट बिजनेस, अभी भी उसका बिजनेस हो ही रहा। उसके बाद फिर मैंने अपने एक्टर को बोला क्रांति प्रकाश झा जो थे कि सर मैथिली बनाएंगे, तो उनको लगा कि अरे चलो ठीक है मैथिली आप, मतलब बहुत लोगों को लगा कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। फिर मैंने एक दिन बोला कि सर कैनेडा जाना है, बोला कैनेडा में क्या, बोला मैथिली फिल्म का एक पोर्शन वहाँ शूट करेंगे। टिकट आ गया, वीजा लग गया, हम लोग कैनेडा में थे -35 degrees में, नायग्रा फॉल्स पे मैथिली फिल्म शूट कर रहे थे। तो मैथिली बना दी, और जब मैं मैथिली बना रहा था तो मेरे जो इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े ही अच्छे आदमी हैं, तो उनको मैंने बोला था कि नेशनल अवार्ड मिल सकता है। एडिट होने के बाद मैंने बोला, क्योंकि जिस लेवल की फिल्म चली गई थी, हालांकि मुझे याद है हम लोग बिहार में सिर्फ 18 दिन शूट कर पाए थे, इतनी गर्मी थी, टोरंटो में -35 बिहार में +45, तो यही महीना था अप्रैल मई का महीना 2015 में हम शूट कर रहे थे, तो वो भी शूट हो गया, फिर हम आ गए। तो ये इस तरह से हम लोग करते रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यार चैनल वेब का ज़माना आ रहा है, चैनल खोलो, तो फिर शारदा सिन्हा जी का गाना आया मेरे पास, वो और वो फिर वो एक वो रिकॉर्ड है, मतलब मुझे कोरिया रशिया जर्मनी से भी फ़ोन आया, जो वहाँ बिहारी यूपी कम्युनिटी रहती है पूर्वांचल वाले, उन्होंने बोला कि अरे आपका वीडियो देखा आप ही हैं वो, क्या निगाह में ही मैंने बनाया। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और इस भाषा में अपनी जो भाषा है बिहार की यूपी की स्पेशली पूर्वांचल, क्योंकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, तो सबसे पहले मेरा मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भोजपुरी है, उसके बाद दूसरी भाषा है, और उसके बाद मैथिली है, फिर हिंदी हो या बंगाली हो या फ्रेंच हो वो बात है सबसे पहले। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अभी इतनी फिल्में बना ली है, नेशनल अवार्ड भी मिल गया है, अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप, अब अगला कदम क्या है, अब आगे और क्या आने वाला है? आगे मैं आने वाला हूँ ताकि कैमरे के बाहर नहीं चला और अभी मैं बीच बीच में मैंने इंग्लिश में भी शॉर्ट फिल्म बनाई है, और क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ थोड़ा आगे हो जाता मैं बिहार से आता हूँ तो मेरा जो पूरा जो 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 परवरिश है, जो ओरिएंटेशन है मेरा पूरा, वो पूरा बिहार का और ईस्टर्न यूपी साइड, जैसे मैं कानपुर में पैदा हुआ तो मेरा जो पूरा थॉट लेवल है वो इस इलाके में ही घूमता है ज़्यादा। मुझसे कोई कहेगा कि आप मुंबई में बैंड्रा में बेस कोई लव स्टोरी बनाइए तो शायद ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो कहानियाँ नहीं, तो मेरी जो कहानियाँ वहाँ बेस्ड हैं, मेरे पास लव स्टोरीज हैं, पॉलिटिकल थ्रिलर्स हैं, कुछ क्राइम स्टोरीज हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव स्टोरीज हैं। जैसे मैं कुंवर सिंह के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं बिस्मिल्ला खान के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अभी मैं एक फिल्म पर काम कर रहा हूँ, हालाँकि 3 फिल्मों पर काम कर रहा हूँ, तो जिसमें 2 हिंदी है और 1 भोजपुरी है और 1 मैथिली भी है, 4 प्रोजेक्ट्स। तो भोजपुरी वाले जो है वो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने पंकज त्रिपाठी से बात की हुई है, संजय मिश्रा से बात की हुई है, उसका नाम बैलून है, जो कि झारखंड में मैं शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और भोजपुरी के अंदर इतने बड़े एक्टर्स कभी आए नहीं,
क्योंकि पंकज त्रिपाठी संजय मिश्रा जैसे लोगों का आना भोजपुरी के लिए इट्स अ ह्यूज थिंग. तो वो कोशिश है बैलून बनाने की. एक बंदी में भी इस तरह की फिल्म नहीं देखी है जो आया, तो वो एक अगेन अ मर्डर मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री नहीं है, इट्स अ मर्डर क्राइम थ्रिलर, एक सीरियल किलर की कहानी है, बट मैथिली. तो मैं इस तरह की कहानियाँ इस इन लैंग्वेजेस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि यूजुअली हिंदी में या दूसरी भाषाओं में रहती है. तो ये सब मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं. और वेब के ऊपर भी मैं पटना दे रहा, मैंने बताया मेरे 3-4 म्यूजिक वीडियोस हैं, वो मैं करना चाहता हूँ. उसके अलावा मैं वेब के ऊपर ट्रैवलॉग्स करना चाहता हूँ. मैं कुछ और भी चीज़ें करना चाहता हूँ, जैसे रशिया में बहुत सारे बिहारी लोग रहते हैं जो 80s में गए थे, 90s में गए थे, उनके ऊपर भी मुझे कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ उनके ऊपर एक कहानी करूँ. उसके अलावा मैं मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडैड, नेदरलैंड्स में जो इंडेंजर्ड लेबर गए थे, जो इनको गिरमिटिया कहते हैं, जिनको ब्रिटिश ले गए थे, उनके साथ मिलके भी मैंने कोशिश की. जैसे अभी मेरा जो कंत्राकी का ट्रेलर आया, कंत्राकी में जो एनिमेटेड है, दिस इज द फर्स्ट एनिमेटेड भोजपुरी वीडियो, इससे पहले एनिमेशन नहीं था, लेकिन उसमें जो सिंगर दिख रहे हैं लाइव में, वो सिंगर राजमोहन है जो फोर्थ जनरेशन इंडेंजर्ड लेबर फैमिली के. इनके दादाजी को 1880 के आसपास ले गया गया था सिवान से बिहार. उनकी माताजी यूपी की थी, पिताजी सिवान के थे, और उनको ले गया था ब्रिटिशर्स ने काम करवाने परमरीबो, जो कि वहाँ पर है, सूरीनाम का कैपिटल है. वहाँ से फिर राजमोहन जी का जन्म 1962 में हुआ, और उसके बाद वो लोग 10-12 साल की उम्र थे तो वो नेदरलैंड चले गए, लेकिन वो भोजपुरी ही गाते हैं आज. तो उनके साथ हमने 2 वीडियोस किए. तो ये सारा फीचर और वेब का मेरा फीचर. बिल्कुल सर, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू फिनिश दिस एपिसोड. मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया सर. मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूँ आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए. आपकी फिल्में ऐसी आती रहें और बहुत सारा बिजनेस करती रहें, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे. और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया. हमने इनसे बात करके ये तो रियलाइज कर लिया है कि एज अ फिल्म मेकर ये अपनी भाषा और अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखना नहीं चाहते, बट एज अ फिल्म मेकर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं. आई होप यू गेट हिज पॉइंट. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड सर थैंक यू फॉर दिस मार्क. थैंक यू फॉर दिस मार्क. We got it 2 months. Two months. Yellow. ये दोनों पेंटिंग्स हैं. ये बहुत फेमस पेंटर हैं दिल्ली में, भारती दयाल. तो उनकी पेंटिंग्स हम लोगों ने यूज़ किया था मधुबनी पेंटिंग्स मिथिला मखान में. और यहाँ पर वो जो नेशनल अवार्ड की बात हो रही थी ना, वो यहाँ है. ये इफी गोवा में जो देसवा गई थी, यहाँ पे ये वो सर्टिफिकेट है देसवा का, इंडियन पैनोरामा में सेलेक्ट हुई थी. और ये मिथिला मखान का है. और दो सर्टिफिकेट्स हैं, एक डायरेक्टर को है और एक प्रोडक्शन हाउस को है, चंपारण टॉकीज और अश्वथा ट्री. अश्वथा ट्री के साथ हमने बनाई थी ये फिल्म, सिंगापुर की कंपनी है. और ये जो नीचे रखा हुआ है ये मेडल है, इस पर आप You can go close on it so that you can see it. ये है नेशनल फिल्म अवार्ड. ये है 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. तो ये NFA. कोशिश है कि बिहार की भाषाओं में, यूपी की भाषाओं में और भी मिलता रहे हम लोगों को अवार्ड, ताकि आने वाले जनरेशन को लगे कि भाई कुछ करके मरे हैं.